सतनाम माए गुरु जी, आज की पीढ़ी को समझदार होने की ज़रूरत है। इस तरह की केस हर दूसरे घर की कहानी हो गई। ऐसा ही एक सच्चा किस्सा मैं आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप दूसरे लोगों को भी भेजेंगे। एक लड़के के माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वह मेरा मित्र था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे भी थे। अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन वह लड़का अपने पापा से कहता है, पापा आप शायद के एकमात्र कमरे में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को परेशानी होती है। मम्मी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे ही तो करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर कार्य करने में परेशानी होती है। उसके पापा बिना कुछ कहे ऊपर शिफ्ट हो जाते। करीब 15 दिन के बाद अपने बेटे को बुलाकर 10 दिन का उसके परिवार के साथ विदेश ट्रिप का पास देते और कहते हैं, जा बेटा सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। पुत्र के जाने के बाद अंकल ने अपने 6 करोड़ का मकान तुरंत 3 करोड़ में बेच दिया। अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट ले लिया तथा अपने बेटे के लिए सारा सामान दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया। जब उसका बेटा ट्रिप से वापस आता है तो घर के बाहर एक दरबान बैठा रहता है। उसने बेटे को बताया, यह मकान तो बिक चुका है। जब बेटे ने पिता को फ़ोन लगाया तो वो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। उसे परेशानी में देख गार्ड बोला, क्या पुराने मकान मालिक को फ़ोन कर रहे हो? उसके हाँ कहने पर वह बोला, भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है और आपके आने पर आपसे बात कराने की भूल कर गए थे। यह कहकर गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर लगाकर उस लड़के की अपने पापा से बात करवाई। फ़ोन पर उसके पापा ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें से उसके पापा नीचे उतरे। उन्होंने अपने लड़के को किराए की फ्लैट की चाबी देते हुए कहा, यह रही तुम्हारी फ्लैट की चाबी, मैंने 1 साल का किराया दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को कैसे रख रहे हो। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे साथ रहकर चलकर रह सकते हो। यह देखकर उसका लड़का हैरान हो गया और एकदम चुप हो गया। यह एक सच्ची घटना है। आजकल बड़े बुजुर्ग अपने नालायक बच्चों को साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ रह रहे, न कि तुम हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे, तुम हमारे साथ रह रहे हो। सतनाम वाहेगुरु जी।